गाइस यार आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेल्डिंग मसाल है ये बनके तैयार है। तो चलिए अब मैं इससे कोई भी ऑब्जेक्ट वेल्ड करके देखता हूँ कि ये जो मसाल है ये वेल्ड कर पाता है या फिर नहीं। गाइस यार आप वेल्डिंग कराने के लिए कभी ना कभी वेल्डर के पास गए ही होंगे और आपने देखा होगा कि वेल्डर एक मसाल से वेल्डिंग करता है। तो गाइस यार वेल्डर जिस मसाल से वेल्डिंग करता है उसी मसाल को आज मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं कि आप छोटा सा वेल्डिंग मसाल कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखेगा और वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो फटाक से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया नहीं किया है, चलो कर दो, नहीं किया है तो बाद में कर लेना। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप वेल्डिंग करने का मसाल कैसे बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस वेल्डिंग मसाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कांच का बॉटल ले लिया है। मैं सिंपली इस फर्स्ट वाले कांच के बॉटल में पहले पानी भर लेता हूँ। गाइस यार मेरे हिसाब से इतना पानी काफी है। तो चलिए इस बोतल को मैं साइड में रखता हूँ। और फिर गाइस यार ये है मेरे पास कास्टिक सोडा जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, उतना भी महंगा नहीं होता है जिसे कि आप खरीद नहीं सकते, तो बस ये 60 रुपए का पैकेट आता है। तो चलिए मैं सिंपली अब इस कास्टिक सोडा को इस बोतल के अंदर डालूँ। गाइस यार वेल्डिंग मसाल बनाने के लिए इतना कास्टिक सोडा जो है इसके अंदर काफ़ी है। तो चलिए अब मैं सिंपली इसे मिला देता हूँ ताकि हमारा कास्टिक सोडा और पानी वापस में मिल जाए। और गाइस यार आप देख सकते हैं कि कास्टिक सोडा जो है वो पानी में अच्छे तरीके से घुल चुका है। चलिए मैं इसे अब नीचे रखता हूँ। गाइस यार अब बारी है इसके अंदर एल्यूमिनियम डालने का। यहाँ पर मैं एल्युमिनियम के जगह पे एल्युमिनियम फॉइल का यूज जो कि जल्दी से रिएक्शन। तो गाइस यार मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है और मैं इसमें से बस इतना सा टुकड़ा लूँगा और फिर इसे कुछ इस तरह से फाड़ के अलग करके इस तरह से होल्ड कर दूँगा कुछ इस तरह से। और गाइस यार फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रोल बन चुका। तो मैं सिंपली अब इसके अंदर इस एल्युमिनियम फॉइल को डाल दूंगा। और गाइस यार आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही एल्युमिनियम फॉइल को इसके अंदर डाला तो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट है। आप गाइस यार ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये है आईवी सेट, इसलिए मैं इसे इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। और गाइस यार यहाँ पे मुझे इस ढक्कन को अच्छे से टाइट करना होगा। और चलिए अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा डाउन कर देता हूँ ताकि इस पाइप से जो गैस है वो ना निकले। और गाइस यार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्युमिनियम कास्टिक सोडा से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे सोडियम एल्युमिनेट बन रहा है जिससे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो चलिए गाइस यार मैं वेट करता हूँ हाइड्रोजन गैस बनने का और फिर आपको मसाल बना के दिखाता हूँ हाइड्रोजन गैस। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रिएक्शन जो है वो स्टार्ट है और गाइस यार इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी बढ़ना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस यार अब मैं आपको इस मसाल को जला के दिखाता हूँ कि ये मसाल किस तरह से जलता है। तो गाइस यार अब मैं इस मसाल को जलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो वेल्डर वेल्डिंग जिस मसाल से करता है उस मसाल की तरह ये मसाल जल पाएगा या फिर नहीं, या फिर इससे वेल्डिंग हो पाएगा या फिर। तो चलिए फटाक से मैं इसे जला के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं पहले यहाँ से इस चकड़ी को डाउन करता हूँ। गाइस यार आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेल्डिंग मसाल है ये बनके तैयार है। तो चलिए अब मैं इससे कोई भी ऑब्जेक्ट वेल्ड करके देखता हूँ कि ये जो मसाल है ये वेल्ड कर पाता है या फिर नहीं। जैसा कि मुझे पता है कि ये किसी भी चीज़ को वेल्ड नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें उतना प्रेशर ही नहीं है। तो चलिए मैं इससे सिंपली एक प्लास्टिक काट के दिखाता हूँ कि ये जो प्लास्टिक है इससे कट सकता है या फिर नहीं। देख सकते हैं मैंने
निशान लगा दिया है। गजा इसे प्लास्टिक भी नहीं कट पा रहा है। गाइजर आप देख सकते हैं कि ये जो वेल्डिंग मसाल है इस प्लास्टिक के टुकड़े को जला दिया है, पर ये काट नहीं पा रहा है। तो गाइजर इस वेल्डिंग मसाल में उतना पावर नहीं है कि ये किसी भी लोहे को वेल्ड कर सके या फिर किसी भी लोहे को काट सके। लेकिन हाँ, जिस तरह से मैंने अभी आपको ये वेल्डिंग मसाल बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से वेल्डिंग मसाल को बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।